नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खास पेशकश लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। आज बात हम करेंगे आपके शिक्षा मॉडल पर उठ रहे सवालों को लेकर। दरअसल केंद्र सरकार हो या चाहे देश भर की राज्य सरकारें, सबसे बेहतर शिक्षा मॉडल का दावा करने वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के शिक्षा मॉडल पर ही सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली सरकार के सीएम अरविंद केजरीवाल देश भर में अपने इसी मॉडल को भुना रहे हैं और विरोधियों को अपने शिक्षा मॉडल को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। केजरीवाल जहां भी जाते हैं अपने इस मॉडल का गुणगान करते नहीं थकते, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राज्य के शिक्षा मॉडल को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सचदेवा ने आप सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकारी स्कूलों के टीचरों को धमकाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा कर दीजिए। इतना ही नहीं, भाजपा नेता ने यह भी दावा किया है कि हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर दिल्ली के स्कूलों का रिजल्ट बहुत खराब है। स्कूलों में बच्चों के 4 नंबर 6 नंबर आ रहे हैं, लेकिन टीचर्स पर इन्हीं बच्चों को 33% देकर पास करने का दबाव बनाया जा रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि हमारे स्कूल की टीचर से बात हो रही है, हमने खुद कुछ बच्चों की आंसर शीट देखी है, लेकिन सरकारी स्कूल के टीचर इतने डरे हुए हैं कि वो सामने नहीं आना चाहते। इस दावे के साथ भाजपा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आप सरकार का कोई शिक्षा मॉडल नहीं है, बल्कि ये फ्रॉड मॉडल है। वीरेंद्र सचदेवा ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पद पर बैठी शिक्षा मंत्री आतिशी से सवाल करते हुए पूछा, अगर रिजल्ट अच्छा था तो बच्चों के एग्जाम रीचेकिंग कराने की सर्कुलर जारी करने की जरूरत क्या आन पड़ी? सफल छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए 6 अप्रैल तक का समय आखिरकार क्यों दिया गया है? तो आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल पर उठ रहे सवाल, जी हां, कई सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा मॉडल को फ्रॉड मॉडल कहा जा रहा है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आखिरकार जो शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो बच्चों को नीट की और तमाम तैयारियां करवाएंगी, उसको लेकर भी सवाल अब उठने लगे हैं। लेकिन जिस शिक्षा मॉडल को देश भर में या यूं कहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आखिरकार उसको लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, आज की इसी पर चर्चा। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विजय खेरा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है विजय जी कार्यक्रम में आपका हमारे साथ। रमेश श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रमेश श्रीवास्तव जी, सवाल शिक्षा मॉडल को लेकर उठने लगे हैं। शिक्षा मॉडल जो कि आम आदमी पार्टी को मजबूती दिलाता था, जो कि आम आदमी पार्टी का एक ऐसा मुद्दा था जिसको वो हर जगह हर राज्य में यहां तक कि इंटरनेशनल लेवल पर भी भुनाने की पुरजोर कोशिश करती थी, लेकिन आज इसी शिक्षा मॉड्यूल पर सवाल ये उठ रहा है कि बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं, बच्चे फेल हो रहे हैं, टीचर्स पर दबाव उनको पास कराने का, क्या सरकारी स्कूलों का मॉडल ये है अब? भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के चुनाव में एक जेल में बंद ठग के पीछे पड़ी हुई थी। वो इनका स्टार प्रचारक बना हुआ था, क्या नाम था, चंद्रशेखर वगैरह कुछ नाम था। और अब हमने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने पूरे देश में एक अवेयरनेस क्रिएट कर दी एक डिग्री के बारे में। हमने एक डिग्री के बारे में क्या पूछा, ये पूरा 360 डिग्री चक्कर खा गए हैं। अरे जिन सरकारी स्कूलों की तारीफ पूरे विश्व में हो रही है, पूरा विश्व अंधा तो नहीं है ना, जिनका रिजल्ट अच्छा आया तो आया, वो रिजल्ट कागज पे है तो है। नहीं तो रमेश जी, उस रिजल्ट को फिर से रीचेक कराने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अगर रिजल्ट बेहतर है आप सुनते नहीं, तो क्या टेक्निकल इशू आ गया? नहीं, मैं सुन रही हूँ, सुनने के साथ साथ मेरा जो सवाल होगा मैं आपसे पूछती भी रहूँगी। असलियत भी बता दूँ और स्कूलों की असलियत भी बता दूँ। हाँ। सुने आप आराम से। अब भाजपा ये कह रही है हमारे ही बच्चों का एडमिशन नीट में भी हुआ है, आईआईटी में भी हुआ है, सरकारी स्कूल के बच्चों का, इसका रिकॉर्ड है, हम पूरी लिस्ट दे सकते हैं आपको। अब ये कह रहे हैं कि जो अभी एग्जाम हुए हैं, जिसका रिजल्ट आना भी बाकी है, उसमें ऐसा हो रहा है, ये फैक्ट नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो फैक्ट है, वो पिछला फैक्ट है, हिस्ट्री है। ये जो आज कह रहे हैं ये गेस है, स्पेकुलेशन इसलिए कि अभी जो एक डिग्री पे सवाल उठा हुआ है,
वो स्पेकुलेशन से थोड़ा सा दब जाए, वो दबने वाला नहीं है। दिल्ली सारे गार्जियन जानते हैं, और आप देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय वगैरह में एडमिशन शुरू होते हैं, पूरे देश से स्टूडेंट दिल्ली में आने की कोशिश करते हैं, एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, ये भी तो एक फैक्ट है। इतने सच्चाइयों के सामने है, इनकी हवा का गुब्बारा नहीं फूटेगा। डीयू की बात आप कर रहे हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ तो देश भर से बच्चे आएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप, देश भर से बच्चे आएंगे, वहाँ पढ़ाई भी करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जेएनयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली विश्वविद्यालय, इंदिरा विश्वविद्यालय, और दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेज दिल्ली सरकार के मैनेजमेंट के अंडर में है। तो ये फैक्ट, और ये हवा का गुब्बारा उड़ा रहे हैं जिससे कोई दम नहीं है। ठीक है विजय खेरा जी, संभावनाओं पर आप बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं, दरअसल डिग्री को लेकर सवाल उठे, आम आदमी पार्टी ने उठाए, तो आपने पूरे के पूरे शिक्षा मॉडल पर सवाल उठा दिए। सवाल यहाँ पर यह है विजय जी, जिन नंबर्स की आप बात कर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष जिन नंबर्स की बात कर रहे हैं कि कुछ स्कूलों में बच्चों के नंबर 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, दिखाइए बताइए कौन से स्कूल हैं, कहाँ पर रीचेकिंग की जा रही है, किसका रिजल्ट खराब आया है, बता दीजिए आम आदमी पार्टी को ले जाकर वहां। देखिए सबसे पहले इन्होंने अभी डिग्री की बात की है, एक मिनट उसका जरा देख लीजिएगा, फिर इनके मॉडल की बात करते हैं। सबसे पहला डिग्री चोर सजा पाया इनका मंत्री तोमर साहब हैं। इनको ये कट्टर ईमानदार कह रहे थे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से, जब वहां से रिपोर्ट आई पुलिस की तो केस रजिस्टर्ड होके जेल चले गए। अच्छी तक ये बचाते रहे, नहीं जी वो तो झूठा है जी, वो तो झूठा है, केजरीवाल जी कहते रहे। तब इनको शर्म नहीं आई, डिग्री चोर मंत्री को बचाते रहे, हमसे बात कर रहे हैं डिग्री की। दूसरी बात, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की डिग्री का सवाल है, वो कोर्ट और इनके बीच की बात है, कोर्ट ने सजा लगाई है। एक कोर्ट पर हम चर्चा भी नहीं कर रहे, उस पर हम चर्चा भी नहीं कर रहे विजय जी, इसीलिए हम उस पर चर्चा भी नहीं कर रहे। उन्होंने अभी ऐसा नहीं, उस पर तो चर्चा एक सेकंड के लिए होगी क्योंकि चर्चा की है, इसलिए खाली कह रहा हूँ मैं एक मिनट के लिए। वो सफाई आवश्यक होगी, नहीं करते तो कोई बात नहीं थी। अच्छा अब ये बताइए, डिग्री चोर के मॉडल सुन लीजिए आप, एल्कोहल मॉडल में जेल में, विज्ञापन मॉडल में 100 करोड़ रुपया का जुर्माना अभी भरेंगे, ये इनके मॉडल है। उसी तरह इनका तीसरा शिक्षा मॉडल है, जिसको ये समझते हैं कि एक बात को 100 बार बोल बोल के लोग समझेंगे ठीक है, गोवा जाएंगे शिक्षा मॉडल मेरा, अरूर से चले आए, फिर जहाँ गए हरियाणा शिक्षा मॉडल हार गए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मॉडल चले आए, पंजाब में अकेले जीते वो सबको पता है, दिल्ली में तो चल गया ना, एनसीडी में भी चला शिक्षा मॉडल, दिल्ली में तो चला ना शिक्षा मॉडल। अच्छा अब दिल्ली में शिक्षा मॉडल नहीं चला, वो तो फेल है। ये कहते हैं हमारा शिक्षा मॉडल का तो ये है कि 9th क्लास 10th क्लास के ड्रॉप आउट देख लीजिएगा आप। दूसरी बात ये है, अभी इन्होंने रीचेकिंग के लिए प्रमोट करने के लिए किसलिए आदेश किए हैं, इनको रीचेक करके 6 अप्रैल तक इनको प्रमोट करो। अब वो कॉपी हम देख नहीं सकते, एक सेकंड मैडम, हम देख नहीं सकते कॉपी। मैं पूरी बात विजय जी आपकी सुन रही हूँ, बड़े धैर्य से सुन रही हूँ, लेकिन एक बात मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रही, 4 नंबर 6 नंबर का 33 नंबर टीचर्स भी कैसे बना देंगे, मतलब ये कैसे अजूबा हो जाएगा। 1-2 नंबर्स की तो हम भी सुना करते थे कि टीचर्स कई बार इस तरह का फेवर कर देते हैं, लेकिन जहां पर आप 3 नंबर 4 नंबर बता रहे हैं, वहां पर उसको 33 नंबर करके पास कर दिया जाएगा, 96% आप कह रहे स्टूडेंट्स फेल हो गए, महज 4% बच्चे पास हुए हैं। हमको जो खबर है 50% की किसी जगह 60% की, आधार खबर का आधार भी होना चाहिए ना सर, तथ्य और आधार भी होना चाहिए। अधिक भी मैडम, अगर मैं पूरी बात नहीं कह पाऊंगा तो समझ नहीं आएगी ना आपके ना हमारे। आपने 3-4 क्वेश्चन करे, मुझे एक बार तो बोलने दीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास इस समय कॉपी का कोई जांच का, हमारे पास पड़ताल का कुछ नहीं है। इनको जवाब देना है, ये उसका जवाब दे रहे हैं, और जवाब असेंबली में बोलने देते नहीं है, सब लोग इकट्ठे हो गए, दिन भर मोदी जी को गालियां चालू करते हैं, दूसरा कोई काम होता नहीं। अब एक ही कारण है, अगर RTI से हम मंगाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन जहां तक ये टीचर्स पे दबाव डाला, रीचेकिंग क्यों कराई, क्या आवश्यकता पड़ गई सारी कॉपियों की, क्यों 6 अप्रैल तक के आदेश इन्होंने किए कि सारी कॉपियां रीचेकिंग कराइए,
और फिर उस पर दबाव डाला जा रहा है। टीचर उनके मुलाजिम हैं, नौकर हैं, जिन टीचर्स को विदेश भेजना चाह रहे थे उनकी बात कर रहे हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है। तो अब वो पास करेंगे, नाइन्थ क्लास प्राइवेट क्लासेस होती हैं, बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है 12-15 नंबर आगे पीछे करने में, क्योंकि अगर मजबूर करेंगे तो करना भी पड़ सकता है इन लोगों को। बोर्ड का एग्जाम न गिरे उसके लिए हरकतें हुई है, क्योंकि वो तो सामने आएगा बोर्ड में 10 में कितने पास हुए, 10th क्लास का ये बता दें मुझे, पिछले 3 साल का बोर्ड का एग्जामिनेशन में बैठा हूँ, बताइए कितने परसेंट पास हुए, ये बता दें इनका रिजल्ट क्या था बोर्ड का और क्या DPS का रिजल्ट है, से बात कर रहे हैं मॉडल की आप, क्या सेंट कॉलम नहीं, मतलब आप प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब सरकारी स्कूलों को छोड़ दें हम ना, बच्चे पढ़ाई करें सरकारी में। नहीं नहीं मैं कह रहा पढ़ाए ना, ये यही तो पढ़ा नहीं रहे, मैं यही तो समझा रहा हूं, DPS में जाएं सब, TD गोयनका में जाएं सब, एडमिशन करवाएं वहां पर। ये बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे, तो कंपेयर करा रहे हो, करा दो ना इनको, हाँकते क्यों है फिर, ये कह रहे शिक्षा मॉडल सिवा एक, गांधी जी ने कहा था मोहल्ला में स्कूल होना चाहिए, मोहल्ले में शिक्षा होना चाहिए, घर के लोगों को पढ़ाना चाहिए, वो ठीक है, इन्होंने उस समय किताब लिखी केजरीवाल जी ने, उसमें स्वराज में दुनिया भर का गांधीवाद लिख डाला, और बाद में अल्कोहल बात चालू कर दिया इनका, शराब का मॉडल साहब आपके सामने, मंत्री जेल में, दूसरा मंत्री जेल में, शिक्षा मॉडल वाला जेल में, ये तीसरा जेल जाने वाला है, मतलब सारे मॉडल फेल हो रहे हैं, दिल्ली के सारे मॉडल फेल हैं, और फेल होने की जो वजह है वो आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी है, क्योंकि फेल करवा रही है, लेकिन यहाँ पर बात शिक्षा की है, बच्चों के भविष्य की है, कम से कम इस पर राजनीति होने के बजाय तथ्यों के आधार पर बात करें। सवाल इसी को लेकर उठ रहा है कि आखिरकार शिक्षा मॉडल पर जो सवाल उठ रहा है, रीचेकिंग को लेकर सवाल उठ रहा है, ये स्पष्ट कर दीजिए कि रीचेकिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो भी तमाम स्कूलों में। देखिए अमूमन रीचेकिंग होता है, ऐसा नहीं है कि रीचेकिंग का कोई आधार नहीं है, रीचेकिंग होती है, पहले से होती आई है, कई बार किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसके मार्क्स कम है या अगर कुछ उसमें हो सकता है तो वो रीचेकिंग के लिए अपीयर करता है, लेकिन तमाम स्कूलों में अगर इस तरह का निर्देश दिया गया, टीचरों को कहा गया, क्या इसमें वजह रही, क्या टेक्निकल इशू कोई, क्यों आखिरकार रीचेकिंग के लिए कहा गया? दरअसल देखिए भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता महोदय को बड़ा संतोष हुआ कि कम से कम 8 से 10 मिनट उन्होंने खुल के बोला, लेकिन जानती है जब आदमी खुल के बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश करता है तो गलतियां भी कर ही डालता है, उसी में उनकी नीयत भी सामने आ गई कि वास्तव में वो निजी स्कूलों को प्रमोट करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। एक बात, दूसरी बात उसको लेकर मैंने पूछ लिया रमेश जी, दूसरी बात आपने पॉइंट आउट किया, दूसरी बात वो कह रहे साहब 9th का 11th का रिजल्ट होम एग्जामिनेशन होता है, इसलिए उसको रीचेकिंग करके मैनिपुलेट किया जा रहा है। मैंने पहले कहा कि ये हवा का गुब्बारा है, लेकिन इसकी सच्चाई भी जरा समझ लीजिए कि ये जो मान लीजिए 9th और 11th में हम पास कर रहे हैं, तो आखिर 12th में तो बोर्ड है ना, इंडिपेंडेंट बोर्ड है, 10th और 12th में बच्चों का सिर्फ शानदार रिजल्ट ही नहीं हुआ, बल्कि सरकारी स्कूलों के बच्चों का, कई बच्चों का बिना कोचिंग के भी इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन भी हुआ, और ये यहाँ बैठकर के DPS और गोयनका की बात करता है, तो रिजल्ट ऑब्वियस है। अब जो ये कह रहे हैं, मैं आप दूसरी बात चाह रहा हूँ, कानूनी पहलू पे आ रहा हूँ कि ये जो रीचेकिंग या री इवेल्युएशन है, देखिए चेक करने का सिस्टम क्या होता है, चेक करने का सिस्टम ये होता है कि 10 टीचर्स का ग्रुप बैठा कॉपी चेक करने के लिए, उन्होंने कॉपी चेक करके हेड एग्जामिनर को दी कि ये साहब हमारी चेकिंग है, हेड एग्जामिनर को अधिकार होता है कि वो कॉपियों का मॉडल इवेल्युएशन करे कि किसी एग्जामिनर ने कॉपी को बहुत स्ट्रिक्टली चेक किया है, किसी ने बहुत लिबरल तरीके से चेक कर दिया, किसी ने मॉडरेट तरीके से चेक कर दिया है। नहीं तो ये तो फिर शिक्षकों पर भी सवाल हो गया ना, ये तो टीचर्स पर भी सवाल हो गया। नहीं देखिए जैसा आपने कहा ना कि वो शिक्षक कभी 1-2 नंबर ज्यादा कम कर देते हैं, मेरा कहना है हेड एग्जामिनर हर एग्जाम को है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप वाले होते हैं उसमें जो चेक होता उसमें हेड एग्जामिनर नहीं होता, की व्यवस्था। लेकिन इस बीच रमेश जी सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि खुद शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया जेल में है, क्या उनकी अनुपस्थिति की वजह से ये सब चीजें बाधित हो रही हैं? आतिशी को नई भूमिका दी गई, नई जिम्मेदारी दी गई, लेकिन क्या जिस मॉडल को, जिस नेता को आप भुनाने की कोशिश लगातार करते थे शिक्षा मॉडल को लेकर, अगर वही जेल में हो तो
तो फिर इसका इफेक्ट पड़ रहा है क्या? क्या यकीनन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे हर मंच से कि कोशिश यही है कि कैसे जो सबसे बड़े टारगेट जिसको आम आदमी पार्टी कहती थी स्वास्थ्य और शिक्षा, उन दोनों जगहों पर चोट कसी जाए, उसका असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। अब देखिए सरकारों में निरंतरता होती और सारे काम और सारी नीतियां मुख्यमंत्री के जो हम कह सकते हैं कि गाइडेंस में तो बनती बनती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आतिशी जी शिक्षा मंत्रालय में कोई नई नहीं है, वो पहले भी मनीष जी के साथ काम करती थी तो शिक्षा व्यवस्था को अच्छी तरह समझती है। इसलिए मनीष जी की कमी तो सबको महसूस होती, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को महसूस होती है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा था ना जब इन दोनों ने शपथ ली थी कि भाई हम लोग अब दोगुनी तेजी से काम करेंगे, तो उस तेजी से काम करने की पूरी कोशिश हो रही है। मैं जो मूल बात पे आना चाहता हूँ ये कि अभी जो प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि साहब इनके अध्यक्ष ने कहा है छह नंबर हमने कॉपियां देखी है, कौन से स्कूल की देखी है? मूल सवाल तो यही है और उनको देखने का अधिकार कहाँ से मिल गया? कहाँ से मिल गया उनको? नहीं, संपर्क किया है, कानूनी प्रक्रिया से दखलंदाजी करने का, और टीचर्स ने भय की वजह से वो आगे नहीं आ रहे, ये भी कहा गया है उनको अधिकार मिल गया डिग्री का। देखिए देखिए देखिए, यही मैंने कहा है गुब्बारा है, यही मैंने कहा है गुब्बारा है जिसमें कि कोई दम नहीं, इसकी गैस खत्म हो गई। शिक्षा मॉडल को लेकर शगुफा छोड़ दिया, यानी कि सिर्फ मुद्दा खोजने की कोशिश की जा रही है। विजय खेरा जी, मुद्दे नहीं है, इसीलिए कभी भी अब कब शिक्षा मॉडल को लेकर या किसी अन्य चीजों को लेकर, क्योंकि डिग्री पर सवाल उठाए तो आपने शिक्षा नीति पर, शिक्षा मॉडल पर सवाल उठा दिए। तथ्य क्या है कि आपको पता है वो कौन से स्कूल है, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, और इतने कम नंबर अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब पूरे के पूरे टीचर्स पर भी सवाल है कि वो स्टूडेंट्स को क्या तैयारी करवा रहे हैं, वो क्या पढ़ाई करवा रहे हैं, ये तो तमाम तरह की चीजें हैं ना। फिर तो जांच का विषय तो सभी के लिए हो गया। फिर ये देखिएगा, अब इनके मॉडल की बात कर लें एक मिनट के लिए। विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट है, वित्तीय अनियमितताएं, जितने टेंडर दिए थे स्कूल के लिए उससे 326 करोड़ रुपए का अधिक काम किया गया। इनलीगली पेमेंट 326 करोड़ रुपया टेंडर से अधिक दी गई, जो इनको काम करना था 6133 स्कूलों में 194 क्लासरूम बनाने थे, इन्होंने बनाए 4000 स्कूलों में 141। सुनिएगा ध्यान से जरा, 6000 स्कूल की जगह 4000 में बनाए, 194 की जगह 141 में बनाए कुल क्लासरूम, और पेमेंट करीब उस बने हैं ना। मुझे कह रहा जी बने तो है ना, ये तो मान रहे हैं बने हैं। हाँ। नहीं, एक बार आप ही के नेता ने कहा था कि बने ही नहीं है स्कूल, तो बस मैं ये पूछ रही हूँ। हम 500 स्कूल नए बनाएंगे, ये था इनका मॉडल। और मॉडल क्या चौपटा हुआ? फाइनेंस अनियमितता, बेईमानी, 396 करोड़ एक्स्ट्रा पेमेंट, क्लासरूम कम उससे ज्यादा दिखाए गए ज्यादा, और 7133 स्कूल के हिसाब से पेमेंट बना दी गई। इस विजिलेंस कमीशन का रिपोर्ट हम तो नहीं कह रहे, अभी तो मुख्यमंत्री भी जाएंगे ना, इसीलिए आजकल डिग्री और गाली और चोरी और रोजाना प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही, विधानसभा उसी की तैयारी है। कैबिनेट डिसीजन है, जिसने 396 करोड़ की पेमेंट की है स्कूल की, और वो मॉडल 500 स्कूल बनाए नहीं, तो जेल तो जाएगी पूरी कैबिनेट। अभी क्या है, बच थोड़ी सकते हैं ये जाने तो, अभी मामला कोर्ट में, अभी तो केस रजिस्टर्ड होगा ना। विजिलेंस कमीशन वाला जो रिपोर्ट आई है उसका तब पता लगेगा इनका मॉडल क्या था और क्या मॉडल इन्होंने किया है। तैयारी कर ली है, मतलब विजय खेरा जी आपने पूरी तैयारी कर ली है, प्रधानमंत्री को टारगेट करेंगे तो फिर यही आप करेंगे? अगर कोई सवाल बोल रही है प्रधानमंत्री को टारगेट किसने किया? ये गालियां देते, हम तो गालियां देते नहीं, डिग्री का इनको कोर्ट ने भगा दिया, मार के उल्टे 25,000 रुपए लगा दिया, उसमें प्रधानमंत्री ने कोर्ट पकड़ ली, हाई कोर्ट को पकड़ लिया, बोलिए आपके हाई कोर्ट को पकड़ लिया, प्रधानमंत्री ने खरीद लिया, बोलो ना, बोलो। जब आपके हक में जाता है तो हाई कोर्ट आप कहने लगते हैं कि ठीक कर रही कोर्ट, अब कह रहे हैं ये आपने गलत काम किया है इसलिए आपको जुर्माना लगा है। हमने थोड़ी ना लगाया जुर्माना, उसका जवाब दो, जुर्माना भर दिया कि नहीं भरा, भरोगे कि नहीं भरोगे, उसका जवाब दो। आप गलत रास्ते पे आप चल रहे थे इसलिए कोर्ट ने आपको निकाल के बाहर कर दिया है, समझे आप? और रहा डिग्री का सवाल, तो सुन लीजिए आप, वो भी एक सेकंड के लिए सुन लीजिएगा। चौधरी देवीलाल दर्जा दो पास नहीं थे और वो प्रधानमंत्री थे और देश को बहुत अच्छी तरह चलाया, डिग्री से नहीं होता है। किसको नब्ज मालूम है देश की, किसको दर्द मालूम है जनता का, वो बनेगा। रमेश जी प्रतिक्रिया। अब मैं एक बात बता दूं, अरविंद जी ने विधानसभा में कहा है, फाइनल कमेंट सर जल्दी से, फाइनल रिएक्शन। अरविंद जी ने विधानसभा में कहा है, हमारे भाई दत्ता स्कूलों का जो 396 करोड़ का पेमेंट, हमारे भाई दिल्ली में रहते हैं,
विधानसभा में कहा है कि अगले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली वाले मतदान देकर जिताने वाले नहीं है। बॉटम लाइन यही है, फाइनल कमेंट यही है। अगले 20 सालों की बात आप कर रहे हैं, यहाँ कब क्या कुछ हो जाता है, महीनों में क्या बदल जाता है वो आप देखते हैं। राजनीति में कोई स्थिरता नहीं है, सब कुछ अस्थिर है। इससे ये मत कहिए रमेश जी, इतना फ्यूचर प्लान मत देखिए। मॉडल को लेकर जो आप पेशकश कर रहे हैं, जिसको लेकर आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। हमारे ही कार्यक्रमों को दूसरे राज्यों में अपना रहे हैं। ठीक है ठीक है, अगर अच्छा मॉडल होगा तो अपनाएंगे। अच्छा मॉडल होगा तो यकीनन अपनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। तो आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल को लेकर सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिरकार इसके पीछे तथ्य और आधार क्या है। इसके अलावा जिस रिजल्ट को लेकर बात की जा रही है, उसके रिजल्ट आने के बाद आखिरकार बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।